बिनाश काले विपरीत बुद्धि, ये वाणी से मैंने वीडियो को स्टार्ट किया है। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको मिस्टर आमिर सिद्दीकी की छोटी सी छोटी तुच्छे वाली काम के बारे में हम आपसे थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। हमारा ही दोस्त था दोस्तों के यूट्यूबर है T7 Lifestyle, आप अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा उसका चैनल का लिंक, मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा सर्च करके। तो तन्मय जी, मिस्टर तन्मय जी इनके ओनर है। अब क्या हुआ दोस्तों, कल की रात में ये विनाश काले विपरीत बुद्धि मिस्टर आमिर सिद्दीकी, सॉरी मिसेस आमिर सिद्दीकी, आपने सही सुना, मिसेस नॉट फॉर मिस्टर, ठीक है। ये एक लड़की है, लड़का नहीं है ये, और मैं ये प्रूफ भी मैं आपको करूंगा ये लड़की है। अब ये देखो यार, मिसेस आमिर सिद्दीकी क्या करता है कि तन्मय जी को मैसेज करता है और उनको बताता है कि कैरी का जो वीडियो आया था ना, जो आप लोगों ने सभी सुना होगा कि बहुत सारे लाइक सब्सक्राइबर व्यूवर्स कैरी का आया था और वो ग्लोबली वीडियो फैल रहा था। उस वीडियो जैसे ही यूट्यूब से टेक डाउन है, उसके बाद ये जो है ना, ये मिसेस सिद्दीकी, तो मिसेस सिद्दीकी ने क्या किया, अपने दोस्त के साथ एक ग्रुप बनाया। ग्रुप से क्या हुआ कि ये लोग अपने आप से बातें कर रहा है, बातें कर रहा है, क्या कर रहा है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, बड़ा हमने तोड़ दिया है, फाड़ दिया है, कैरी को लूट लिया है, कैडी को खत्म कर रहे हैं, कैडी को ये कर रहे हैं, ये इनका स्टडी चल रहा था अंदर ही अंदर। इसके बाद ही दोस्तों क्या हुआ कि इन लोगों से ये लोग जो बातें कर रहे थे, इन्हीं में से कोई एक अच्छा, कोई ऐसा है जो यूट्यूबर्स को प्यार करते हैं या फिर यूट्यूब से वो लव करते हैं, नॉट फॉर टिकटॉक, इन्हीं में से कोई किसी ने इस वीडियो को लीक किया है YouTube के अंदर। अब उसका वीडियो बना चलता रहा। मिस्टर तरुण जी ने क्या किया भाई, तरुण भाई ने कुछ इसी तरह से, ये जो मिसेस आमिर है ना, मिसेस आमिर के नाम से कोर्ट पे केस चल रहा है, इस टॉपिक को लेकर तरुण जी ने एक वीडियो बनाया था और कैरी का वीडियो का ओपिनियन, अपने खुद का ओपिनियन दिया था कि कैरी के वीडियो के साथ क्या हुआ, इस ओपिनियन के साथ ये वीडियो रनिंग था। अब दोस्तों क्या हुआ, कल की डेट में रात को लगभग 10:30 बजे तरुण जी को ये इंस्टाग्राम में पर्सनली DM करते हैं। DM में क्या बोलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल DM स्टार्टिंग, उनका बात स्टार्ट दोस्तों यहां से होता है कि उनके माँ बहन लेकर गाली दिया जाता है। ये आप स्क्रीनशॉट में बगल में देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से मैसेज है। अगर आपको स्क्रीनशॉट समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी पर्सनल इंस्टाग्राम में सभी स्क्रीनशॉट का पेज में दे दूंगा, आप जाते थे मेरे इंस्टाग्राम में जाकर आप देख लीजिए, हो सके तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अब क्या हुआ कि बंदे को यानी तरुण जी को माँ बहन करके ये गाली दिया, ये मिसेस आमिर, मैंने उनको उससे गाली दिया। अब गाली देने के बाद क्या कर रहा है कि मैं तेरा अकाउंट हैक कर लूंगा, मैं तेरा इंस्टाग्राम हैक कर लूंगा, मैं तेरा चैनल डिलीट कर दूंगा, वीडियो को डिलीट कर दूंगा, और भी कभी का बहुत सारी चीजें उनको यानी बोला है। अब तरुण जी भी छोड़ने वाले नहीं है, 38,900 लगभग 39,000 सब्सक्राइबर का एक आदमी, जिसको ये बंदा आमिर सिद्दीकी, जो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, ये मैं नहीं बोला आमिर अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, किसके लिए, आमिर हेट के ऊपर ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है। क्लास में एक चीज याद रखना, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, हम लोगों का टीचर होता था, टीचर क्या होता था कि पूरे क्लास में सिर्फ दो ही बंदे को बहुत अच्छी तरह पहचानता, जानते हो किसको, एक बंदा था जो क्लास का सबसे फास्ट बॉय था और एक बंदा था जो क्लास का सबसे गंदा और लास्ट बॉय था, तो ये आमिर सिद्दीकी वही है। सो अब क्या होता है, ये बंदा अभी ट्रेंडिंग है, क्यों ट्रेंडिंग है, ये अभी क्लास का वो लास्ट बॉय है। अब दोस्तों यहां पर देखिए कि तरुण जी को ये धमकी देता है और इसको बोलता है मैं तुम्हें ये करूंगा वो करूंगा। अभी क्या होता है, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि मिसेस सिद्दीकी तरुण जी को बोल रहे, कल को जाके ये तुमको भी बोलेंगे, अगर तुम एक यूट्यूबर हो, अगर तुम एक यूट्यूबर हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना भाई, इसको तुम्हें जरूरत है देखने के लिए। कल के डेट में दोस्तों कि क्या हुआ कि तुमको भी वो गाली देगा, आज तरुण जी को दिया है, कैडी का वीडियो डिलीट हुआ है, कल तरुण जी का वीडियो डिलेगा, परसों तुमको बोलेगा, तुम्हारा भी वीडियो डिलीट करेगा। इस बंदे को समझाना चाहिए, थोड़ा जागो यार, ये लोग बोले ना साइबर पुलिंग, अरे यार वीडियो में गाली मत दो, कोई भी गाली, साइबर पुलिंग तब आता है, साइबर पुलिंग कब आता है मैं तुमको बताता हूँ, स्मॉल से छोटी सी बात बताऊंगा। साइबर पुलिंग का मतलब है, अगर तुम किसी बंदे को फेस टू फेस गाली देते हो, या फिर किसी बंदे को तुम ऐसा वर्ड बोलते हो, या उसके रिलीजियन को लेकर तुम बात करते हो, या फिर उनका परिवार लेकर तुम बात करते हो, जो बात इल्लीगल यानी खराब होता है, ये सभी चीजें अगर तुम मुझे करते हो, अगर मैं तुम्हारे ऊपर साइबर पुलिंग का केस करूं तो वो पॉसिबल है। अगर तुमने मुझे अच्छी बातें कहा है, अगर तुम नॉर्मली मुझे ओपिनियन दे रहे हो, इसमें कोई भी साइबर पुलिंग नहीं होता है, तो मत डरो यार। अगर तुम एक यूट्यूबर हो तो इस बंदे के ऊपर यानी इस लड़की के ऊपर तुम वीडियो बनाओ। अब इसको लड़की मैं क्यों कर रहा हूं, मैंने पहले कहा था मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखो ये बात है, तरुण जी के साथ इन्हें बात किया, बात करने के बाद सब कुछ चर्चा इसका चला। अब इसके बीच में क्या हुआ कि
बंदे ने, तरुण जी बहुत स्मार्ट लड़के थे, उन लोगों ने क्या किया, उनको मैसेज किया कि मैं सभी तेरा जो चैट आ रहा है सभी को मैं स्क्रीनशॉट करूंगा। जैसे बंदे ने इस मैसेज को देखा, ये आमिर सिद्दीकी, मिसेस आमिर सिद्दीकी ने क्या किया, इंस्टाग्राम को तरुण जी को इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया, सभी जो मैसेज था डिलीट हो गया। अब क्या है, तरुण जी स्मार्ट बंदा है, सभी को स्क्रीनशॉट करके देखा। अब उसी स्क्रीनशॉट से तरुण जी आज एक वीडियो डाले, अब वो वीडियो हमें दिखा, हमारे सिवा भी काफी लोगों को दिखा है, काफी लोग इसके इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे। मैं चाहता हूं अगर तुम एक यूट्यूबर हो बॉस, इसके ऊपर वीडियो बनाओ, क्योंकि इस बंदे को समझाना चाहिए ये बंदा क्या है। और अगर ये मेरा ये वीडियो, अगर तुम आमिर सिद्दीकी तुम देख रहे हो ना, मैं तुमको बता रहा हूं, अगर तुम आमिर का कोई चमचे हो ना, मैं तुमको भी बता रहा हूं, ठीक है, बात सुन लो, ध्यान से सुनना। अब बात यहां पर यह है कि भाई, अगर तुम इसी तरह से बात अंदर ही अंदर एक स्ट्रेटेजी बनाते, प्लान बनाते रहे, भाई यूट्यूबर कोई कम नहीं है यार। और एक चीज ध्यान में रख लो, जान लो तुम लोग, ठीक है, यूट्यूब अभी चल रहा है ट्रेंडिंग में, टिकटॉक फिलहाल इंडिया में बैंड होने वाला है बहुत ही जल्द, क्योंकि आज नहीं, अगर तुमको अच्छा लगता है, अगर तुमको लगता है मेरा बात छूट है, जाके देख लो यूट्यूब में, सर्च करो टेक्निकल गुरुजी का आज वीडियो आया है, टॉपिक देख लो वहां से। मैं तुमको थोड़ा बहुत बताता हूं, मद्रास में क्या हुआ जानते हो तुम, मद्रास में टिकटॉक को ऑलरेडी बैंड के लिए मैसेज हो चुका है, उनके जो हाईकोर्ट से ऑलरेडी ये ऑर्डर आ चुका है। अब बात है दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जाने के लिए बात है, अब वहां से भी ऑलरेडी सरकार की तरफ से भी ये चीजें आ रहा है कि टिकटॉक एक पोर्नोग्राफी वेबसाइट, पोर्नोग्राफी एक ऐप है, जिसमें टिकटॉक जब आया था ना, चाइनीज कंपनी जब आया था, वो किस लिए टिकटॉक था जानते हो, टिकटॉक था लिपसिंग के लिए, ओनली फॉर लिपसिंग के लिए टिकटॉक का यूज किया था, कि कोई एक बंदा आएगा अपना लिप्स दिखाएगा और कुछ कार्टून इमेज की तरह वो चलेगा और अपना लिपसिंग होके उसमें वीडियो बनाएगा, जैसे लिपसिंग वीडियो जिसको बोलते हैं। लेकिन आज की डेट में टिकटॉक लिपसिंग वीडियो का नहीं है, टिकटॉक अभी मुजरा का वीडियो हो चुका है, शरीर दिखाने का वीडियो हो चुका है, सेक्सुअल प्रोडक्ट दिखाने का वीडियो हो चुका है, क्योंकि टिकटॉक अभी पैसा दे रहा है। अब लव लड़को क्या है दोस्तों, के पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। तो अभी क्या होता है कि तुम पैसे के लिए अभी तुम खराब जगह में तो नहीं जा सकोगे, जो लोग टिकटॉक करते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सभी लोग टिकटॉकर खराब है, उसमें से काफी लोग हैं ऐसे खराब है, तो वो लोग खराब चीजें करके टिकटॉक को मिसयूज कर रहे हैं। टिकटॉक उतना खराब नहीं है, लेकिन जो मिसयूज कर रहा है वो लोग टिकटॉक को खराब कर रहे हैं। सो इन चीज को समझो, अब टिकटॉक बहुत ही जल्द सरकार के ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये मैसेज चला गया है, टिकटॉक एक सेक्सुअल प्रोडक्ट है, यानी ये जो ऐप है सेक्सुअल है, या फिर इसमें बहुत सारी छोटी बहुत ही चीज होती है, बहुत चीजें होती, और इसको ध्यान रखते हुए सामाजिक ऐक्य को, यानी सामाजिक हमारे वर्ल्ड के बीच अगर बात करें इंडिया की, सो हमारे इंडिया में जो भी लोग हैं नॉर्मल लोगों को इसके लिए खराब इमेज जा रहा है इस टिकटॉक की वजह से। और ये मिसेस आमिर सिद्दीकी, इसके पास थोड़ा सा भी गट्स नहीं है कि तरुण जी से थोड़ा बात करे। तरुण जी से क्या किया, जैसे तरुण जी ने मैसेज किया, इस बंदे ने क्या किया, तरुण जी को ब्लॉक करके मैसेज को डिलीट कर, ये बंदा क्या समझ रहा है कि मैं अगर जब मैं डिलीट कर दूंगा सभी मैसेज चला जाएगा। लेकिन तरुण जी भी खेलने वाली चीज नहीं, तरुण जी भी बहुत अच्छी चीज है, उन लोगों ने क्या किया, स्क्रीनशॉट करके रख लिया, वीडियो बना दिया। अब देख यार तेरे साथ क्या होता है इसके बाद में, अगर तुम एक यूट्यूबर हो ना दोस्त, देखो यार तरुण जी का वीडियो डिलीट कर दिया था, इसके पहले 20 मिनट का वीडियो बनाया था, तरुण जी का डिलीट हो गया है, ठीक है। तरुण जी के पास यूट्यूब से मैसेज भी आ चुका है कि आप कुछ खराब चीजें वीडियो में डाल रहे, और ये खराब चीजें नहीं था, यही लोग झुंड बना के, यानी कुत्ते लोगों ने झुंड बना के तरुण जी के वीडियो को टेक डाउन किया है, ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझो। अब इसके बाद मैं वीडियो बना रहा, हो सकता है मेरा भी डिलीट हो जाए, या फिर आप बना रहे आपका भी डिलीट हो सकता है। कल अगर वो लड़की मिसेस आमिर सिद्दीकी अगर बता सकता है, उसको अगर मैसेज में गाली दे सकता है डीएम में, तो हम सभी लोग तो है ना, हम सभी लोग तो मैसेज में है भाई, इंस्टाग्राम में तो हम सभी लोगों का अकाउंट है, कल तो वो तुमको भी इंस्टाग्राम में गाली देगा, तब तुम क्या करोगे तुम मुझे ये बताओ, तब तुम्हारा कुछ नहीं करने का है, तुमको सिर्फ एक ही काम करना है, अभी जाके इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ और इसको इतना ज्यादा फैलाओ कि ये बंदा खुद आके सॉरी बोले, सॉरी नहीं यार टिकटॉक को ही छोड़ दे। अभी छोड़ने का क्या बात है भाई, कुछ ही दिन के अंदर टिकटॉक भी साले बंद हो जाएगा, इंडिया से बैंड हो जाएगा, अभी काम खत्म है इसका, इन लोग को स्टार नहीं है, पैर के जूते है, जूते अभी नीचे से चलेंगे, अब तुम देखते जाओ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो के ऊपर कोई ओपिनियन है, अगर मिसेस और
आमिर सिद्दीकी को अगर तुम हेट करते हो तो मैसेज में लिखो यार, मैसेज में लिखो। और एक चीज, मैं मेरे अगले मारा मेरा एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कैडी के सपोर्टर किया था, हैशटैग कैडी वी लव यू, इसको मैंने यूज किया था। अगर दोस्त यार तुम कैडी को लव करते हो यार तो प्लीज मैसेज बॉक्स में जरूर लिखना यार हैशटैग कैडी वी लव यू, इसको जरूर यूज करो। सो चलिए दोस्तों वीडियो का भी यही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो, और मिसेस आमिर सिद्दीकी को एक्सपोज करो यार, एक्सपोज करो, घर में बैठे मत रहो। ऐसे यूट्यूब का वीडियो काफी बनाओगे लेकिन ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक, ये टॉपिक नहीं है भाई, इसको तुम टॉपिक मत समझो, ये एक चीज है, आन बान शान के लिए बातें चल रहा है अभी, ये टॉपिक नहीं है कि टिकटॉकर साले ये छोटे से तुच्छे आदमी लोग अभी यूट्यूबर को बता रहे हैं। यूट्यूबर छोटी सी चीज नहीं है, इसको समझो, तुम्हारा औकात समझो, समझो कोई अगर तुमको ऐसे घर से निकाल के मार रहा है ना, तुम उसको समझो यार। तो नेक्स्ट टाइम से वीडियो बनाओ यार, वीडियो बनाओ इसके ऊपर, कोई गाली मत दो, सिंपल बात करो, वीडियो बनाओ और डालो, इसको समझाओ बंदा कितना हरामी है, बंदा कितना अच्छा है, इसको समझाओ। मिसेस आमिर सिद्दीकी, दोबारा बता रहा हूँ, मिसेस आमिर सिद्दीकी, नॉट फॉर योर मैन, यू आर गर्ल।